कहते हैं जब दुश्मन घर आए तो चौखट पे मिस्त्री रख के ही उन्हें अंदर बुलाना चाहिए, वरना झगड़े होते हैं और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। आइए, आप ही की हवेली है। बैठो बैठो, चलो बैठो 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 बैठो, सब खाओ मिलके, बैठो बैठो, चलो आओ खाओ। सयू कहाँ है? आजा मेरे बच्चा, चलो खाओ। ये बाल बाल क्या लिख रही हो तुम? क्या बना रही हो? माँ ने, हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो। प्लीज खाना जी, कोई बवाल मत होने देना, संभाल लेना। कृष्णा बैठिए। क्यों बुलाया माँ ने इनको यहां? क्या होने वाला है? ब्याह के जब हम घर आए थे तो सास तो थी नहीं, सब कुछ आप ही से सीखा है। याद है जब पहली बार मेहमान घर आए थे और हमने उन्हें पानी दिया था, तब आपने कहा था इस घर की रीत है मेहमान घर आए तो पहले मीठा बाद में पानी। आज तक निभा रहे हैं वो। आपको रसमलाई पसंद है ना? लीजिए। किस लिए आंटी? भाव आशीर्वाद समझ के रख लो। खोल के देखो। ये सब क्या है आंटी? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? क्या है दी, दिखाओ ना। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। बात तुम हमें अच्छी तरह से समझा पाओगी कि हमारी नजरों से दूर होने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए सयूरी बेटा। ये क्या बोल रही हो तुम सरोज? बोल नहीं रहे हैं चिरू के पापा, दोहरा रहे हैं बरसों पहले सुनी हुई बात, जिसने बरसों से मेरी नींद उड़ा दी थी। लेकिन लगता है आज चैन की नींद आएगी हमें।
सरोज आंटी, मुझे लगा था चिरू आपका सबसे लाडला बेटा है। उसकी इतनी छोटी कीमत लगाई है आपने। जो चीज आप खरीदना चाहती है ना, वो बेकाऊ नहीं है। पैसे तो क्या, कोई अपनी जान भी निकाल के रख देना, तब भी अपना प्यार नहीं बेचूंगी। और ना ही बिकने दूंगी। ये बैठकर शांति से बात कर सकते हैं? करेंगे चिरू, पूरे परिवार के साथ बैठकर शांति से बात करेंगे, लेकिन पहले हम बाहर वालों के साथ सौदा तो पटा ले। मां, हमारा प्यार सौदेबाजी नहीं है। तो खानदान की इज्जत भी नीलामी की चीज नहीं थी और ना ही मां का अधिकार। मां, आपका अधिकार हमेशा आपका ही रहेगा। सिर्फ बातों में बहुत गलत कर रही है बहू, ये मत भूलना, कभी इस हवेली के यही लोग मालिक थे। कैसे भूल सकते हैं हम बाऊजी, हमें याद है, इसी जगह पे खड़े रह के हमें हमारी औकात याद दिलाई गई थी, तब पड़वार के घर से निकाल दिया गया था। आपकी हिम्मत कैसी हुई है सब बोलने की? निकल जाइए हमारी हवेली से, हमें क्या भी निकल जाइए। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने आपको घर से बाहर नहीं निकाला दीदी, हमने बस जाने के लिए कहा था और वो भी गुस्से में। उसके बाद माफी भी मांगी थी, एक बार नहीं कई बार। जो भी हुआ था उस दिन वो एक गलत फहमी थी। गलत फहमी ना हमें उस दिन हुई थी और ना आज। उस दिन भी आपने खामखा बात को बढ़ा कर दिया था। हमने नहीं, तुमने। आपने दीदी, फसाद। कृष्णा जी, ये बात बनने की जगह बिगड़ती क्यों जा रही है?